उसके बाद आ जाएं थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में आपके पास आती है लिवोफ्लॉक्सेसिन, फोर्थ में आती है आपके पास क्या, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन। अच्छा, इन दोनों को ना हम रेस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स भी बोलते हैं। इन दोनों को हम रेस्पायरेटरी, बिकॉज ये क्या करती हैं, रेस्पायरेटरी आपके पास जो भी इन्फेक्शन है ना उनमें इनको हम बहुत बहुत यूज़ करते हैं। अच्छा, थर्ड जनरेशन में लिवोफ्लॉक्सेसिन हैज़ हाई एक्टिविटी अगेंस्ट ग्रैम नेगेटिव रॉड, ये ग्रैम नेगेटिव रॉड है, एंड ग्रैम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, ये जो राउंड शेप है वो कोकाई होते हैं, एंड ये क्या है बेसल, ये रॉड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसकी ये एक्टिविटी होती है। इसको हम यूज़ किस में करते हैं, कम्युनिटी अक्वायर्ड नमूनिया कभी नहीं बोलना, नोजोकोमियल नमूनिया कभी नहीं बोलना, नोजोकोमियल आपके पास क्या हॉस्पिटल अक्वायर्ड, ठीक है, हॉस्पिटल से हो। रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन कभी नहीं बोलना, ठीक है। अच्छा, बेसिकली आपके पास जो लिपिन कॉड है ना, लिपिन कॉड में CAP कम्युनिटी अक्वायर्ड नमूनिया का ये MCQ भी दिया हुआ है, ठीक है, कि इसमें कौन से ड्रग को यूज़ करते हैं हम। अच्छा, तो ये हो गया। और फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के भी यूजेस सेम ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़, एक चीज़ क्या है, नो यूज़ इन UTI। ये MCQ आपके लिपिन कॉड में दिया हुआ है, ठीक है, इसका ही कि जो है ना इसको हम यूज़ नहीं करते UTI में, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन को हम यूज़ नहीं करते जो है ना UTI में, एंड सेम इसको भी ना हम नोजोकोमल नमूनिया, कम्युनिटी अक्वायर्ड नमूनिया में यूज़ करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो भी हो, ठीक है, उसमें यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से इनको हम लिवोफ्लॉक्सेसिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, STD का मतलब क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी हम इसको लिवोफ्लॉक्सेसिन को हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, तो अभी आ जाए इन ड्रग्स, इनकी ना आपके पास क्या जो है ना एडवर्स इफेक्ट पर, और इनकी पूरी फार्मेकोकाइनेटिक्स पर, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा था, इनकी ओरल एब्जॉर्प्शन बिल्कुल ठीक होती है, तो मैं ओरल दूंगा, ये क्या है PO, कोई भी ड्रग दिया मैंने PO दिया। अब जैसे ही इंटेस्टिन में आएगा, इंटेस्टिन में आने के बाद जैसे ही आया इंटेस्टिन में, तो इंटेस्टिन में ना इसकी क्या होगी, यहाँ से इसकी रीअब्जॉर्बेशन होगी, इसकी क्या होगी रीअब्जॉर्बेशन होगी। कुछ चीज़ें हैं जो इसकी रीअब्जॉर्बेशन को कम करती हैं, लाइक सुक्रल फेट है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये क्या करती हैं, डिक्रीज इज द अब्जॉर्बेशन ऑफ द ड्रग। अगर ये चीज़ें आप दे रहे हैं तो आपके पास जो अब्जॉर्बेशन है ड्रग की वो बिल्कुल लो होगी। कोई भी ड्रग दे दें आप, कोई भी फ्लोरोक्विनोलोन दे दें, ठीक है, इनकी अब्जॉर्बेशन यहाँ पर क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, उसके बाद ये ड्रग ना आपके पास यहाँ पर आएंगी, GIT में आ गई, तो इनमें ना कुछ ड्रग्स क्या करती हैं, जो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द GIT हैं उसको किल कर रही होती हैं, उसको क्या करती हैं, किल कर रही होती हैं। जब ये नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द GIT को किल करेंगी ना, तो यहाँ पर ना GIT में एक और नॉर्मल फ्लोरा होता है आपके पास क्या, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल। तो ये नॉर्मल फ्लोरा ना खुद को एक्टिवेट कर देता है, जब दूसरे बैक्टीरिया किल्ड होते जाएंगे ना, तो ये क्या करेगा, खुद को एक्टिवेट करेगा, लेट्स सपोज इज योर क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल। तो ये ना यहाँ पर क्या करेगा, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इन्फ्लामेशन कार करेगा। उस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, इंक्रीज प्रोटीन रिच एग्जूडेट प्रोड्यूस होगा, एंड इंक्रीज फिब्रिन एंड बैक्टीरिया विथ इन्फ्लेमेटोरी सेल्स इंजर्ड म्यूकोजल सेल मेक अ मेम्ब्रेन। ये यहाँ पर क्या करेंगे, ये सब चीज़ें, प्रोटीन रिच एग्जूडेट होगा, फिब्रिन होगा, बैक्टीरिया होगा विथ इन्फ्लेमेटोरी सेल्स एंड इंजर्ड म्यूकोजल सेल्स। यहाँ पर ना एक कोलोन में क्या करेंगे, एक ना फॉल्स मेम्ब्रेन क्रिएट कर देंगे, एंड इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। दिस इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स, कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फ्लोरोक्विनोलोन्स। एंड इसके लिए हम एंटीडोट दे रहे होते हैं क्या, वेंकोमाइसिन देते हैं, मेट्रोनिटाजोल देते हैं, फिडेक्सोमाइसिन देते हैं इसके लिए, ठीक है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस के लिए, ठीक है। एंड सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस मे लीड टू द मेगाकोलन। मेगाकोलन आपके पास क्या होती है, हर्ट्ज स्पंक्स डिजीज होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके पास कोलोन की आपके पास जो वो होते हैं ना गेंगलियन, वो आपके पास जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपके पास मेगाकोलन मतलब कि कोलोन बिल्कुल बड़ा हो जाता है आपके पास, ठीक है, स्टूल उसमें जमा हो जाता है, ठीक है, मे लीड टू द मेगाकोलन, ये भी आपने याद करना है। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद ये यहाँ से जैसे ही रीअब्जॉर्ब हुआ, लिवर में गया, लिवर में गए,
अच्छा लिवर में ना ये क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स, अगर कोई भी पेशेंट आपके पास, लेट सपोज कोई भी ड्रग ले रहा है आपके पास, थायो जो है ना, थायोफाइलिन ले रहा है, थायो फाइलिन ले रहा है, वारफेरिन ले रहा है, साइक्लोस्पोरिन ले रहा है, कैफीन ले रहा है, तो ये जो फ्लोरोक्विनोलोन है ना क्या करती हैं, इन सब की डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म, इन सब की मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देती हैं इसकी वजह से, एंड इंक्रीज सीरम लेवल। इस इंक्रीज सीरम लेवल की वजह से इन ड्रग्स की क्या हो जाएगी आपके पास, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इन ड्रग्स की यहाँ पर क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है, ये आपने याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने वारफेरिन तो याद करना ही करना है, ठीक है, कि ये वारफेरिन की टॉक्सिसिटी को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये ड्रग आपके पास कहाँ पर आ जाएंगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। सिस्टमिक सर्कुलेशन के आने के बाद ये आपके पास अपना वर्क करेंगी और उसके बाद किडनी के थ्रू ये यहाँ पर क्या हो जाएंगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी इनटू द यूरिन। सारी ड्रग्स आपके पास यूरिन में एक्सक्रीट होती हैं, एक्सेप्ट मॉक्सीफ्लोक्सेसिन। मॉक्सीफ्लोक्सेसिन एक्सक्रीट वाया लिवर मेटाबॉलिज्म। सो अगर आपके पास रीनल इंसफिशेंसी या फिर रीनल डैमेज है, तो आप उसमें क्या देंगे, उस पेशेंट को आप मॉक्सीफ्लोक्सेसिन देंगे, बिकॉज मॉक्सीफ्लोक्सेसिन डज नॉट रिक्वायर यूरिनरी एक्सक्रीशन, ठीक है, आप उसमें मॉक्सीफ्लोक्सेसिन देंगे अगर कोई भी पेशेंट आपके पास रीनल डिसफंक्शन के साथ आ रहा है तो, ठीक है। तो ये MCQ यहाँ से बनता है, इसको मैं स्टार लगाता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने याद करना है। तो ये क्या थी, इन सब की जो है ना आपके पास क्या थी, फार्मेकोकाइनेटिक्स थी, ठीक है। अच्छा अभी इनके थोड़े से एडवर्स इफेक्ट पर आ जाएं। नंबर वन एडवर्स इफेक्ट मैंने आपको सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस बता दिया, ये आपके पास क्या है जो है ना, यूँ समझो ये जितने स्टार लगाने चाहते हो लगा दो इस पर। उसके बाद इसका क्या है, डायरिया। नंबर थ्री इसका क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। नंबर फोर्थ हेडेक, फोटोटॉक्सिसिटी। अच्छा जिस पेशेंट को आप ये दे रहे हो ना, तो उसको ये बोल दें कि जो है ना आप जो है ना जब भी सूरज वगैरह निकला हुआ हो तो आप इतना बाहर नहीं निकलें, तो उसकी वजह से आपके पास वो पेशेंट ना फोटोटॉक्सिसिटी डेवलप कर देगा, ठीक है, ये भी होता है। एंड आर्थ्रोपैथी, आर्थ्रोपैथी का मतलब होता है आपके पास क्या, ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना उसकी इरोजन हो, आर्थ्रोपैथी उसे हम बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज की क्या हो, इरोजन हो। उसके बाद आपके पास क्या, अक्यूट रेस्पिरेटरी एग्जर्जर्बेशन, इसमें ना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपके पास जो है ना डेवलप करता है पेशेंट, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अक्यूट रेस्पिरेटरी एग्जर्जर्बेशन हो जाएगी तो आपके पास क्या, पेशेंट आपके पास डेवलप करेगा क्या, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, ठीक है। एंड नंबर थ्री इज टेंडिनाइटिस। टेंडिनाइटिस का मतलब क्या, टेंडन रप्चर। एंड जो मोस्ट टेंडन इसमें रप्चर होता है इज द एक्लीस टेंडन, क्या एक्लीस टेंडन होता है, ठीक है। तो ये इसके क्या हैं जो है ना, अच्छा यार ये मैंने नीचे वाले आपको नोट्स दिख गए होंगे, आप शायद उसमें कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। बहरहाल तो ये इसका क्या होता है, एक्लीस टेंडन होता है, ठीक है, ये रप्चर होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट जो है ना आपके पास क्या है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस के अलावा इज दिस वन, ये क्या ECG है। ECG में आपके पास ये पी वेव है, क्यू वेव है, आर वेव है, एस वेव है, टी वेव है, ये जो क्यू एंड टी के बीच में जो इंटरवल होता है ये बिल्कुल प्रोलॉन्ग हो जाता है। सो अवॉइड दीज ड्रग्स जो है आपके पास क्या, इन पेशेंट हु आर हैविंग एरिथमियाज, पर्टिकुलरली द टोर्सा डीपोंटस, एन जो है ना क्या एरिथमिया होता है, टोर्सा डीपोंटस, ये एरिथमियाज भी इनका क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। तो एरिथमियाज में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते इन ड्रग्स को, ठीक है। सो ये क्या है, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ये इसको आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी इसकी बोल सकते हैं, ठीक है। एरिथमियाज में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसकी इन सब की कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये भी थी, ये तो सिप्रो की थी जो है ना प्रॉब्लली 18 ये वाली, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फ्लोरोक्विनोलोन्स। आई होप कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा।